तुर्की के उस प्रोफेसर ने लिखा कि जिस इंसान के अंदर कुरान की भी तालीम हो और साइंस की भी तालीम हो तो उसके अंदर हमदर्दी होती है। तो ये जब ये लाइन मैंने पढ़ा तो फौरन मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमारे भारत के अंदर एक महान इंसान गुजरे हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। फौरन उनकी जिंदगी जो मैंने पढ़ा है तो वो चीज मेरे जहन में आई। मेरी माँ और मेरी बहनों, आप भी गौर से सुनिए, आप अपने घरों में कुरान करीम की तालीम को आम कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वाकयात को मोबाइल के जरिए अपने बच्चों को सुनाइए, कुरान करीम की तिलावत आम कीजिए अपने घरों के। तो कुरान की तालीम, साइंस की तालीम जिसके अंदर हो, हमदर्दी होती। तो हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है जो कुरान पढ़ना जानता था। वो इतना बड़ा महान इंसान है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है हमारे भारत का कि आज तक पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत के उस साइंटिस्ट से बड़ा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ आज तक। और वो कौन साइंटिस्ट है, कौन सा वैज्ञानिक है हमारे भारत का जिसके अंदर हमदर्दी थी, इंसानियत थी, मानवता, वो कुरान भी पढ़ना जानते थे और वो महान साइंसदान भी थे। उस शख्स का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। हम लोग ये समझते हैं कि कोई गैर के नाम बोलेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया का महान साइंसदानों में से सबसे बड़ा साइंसदान। कैसे? जमीन से आसमान पर, चांद पर बहुत बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मुल्कों ने, अमेरिका ने, चीन ने, जापान ने, रूस ने जहाज भेजे, 500,000 कितनों करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन सबसे कम खर्च में, सबसे कम खर्च में जमीन से चांद पर इंसानों को अगर किसी ने पहुंचाया है तो उस साइंसदान का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। दुनिया ताज्जुब में रह गई, इतने कम पैसों में जहाज बनाकर आसमान चांद तक भेज दिया, मार्स तक पहुंचा दिया, क्या आदमी है? यानी जहां 500 करोड़ रुपए मिसाल के तौर पर खर्च पड़ते हैं तो वहां 300 करोड़ रुपए में इन्होंने वो कर दिखाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे भारत में मिसाइल नहीं था, अमेरिका वाले के पास बहुत सारे मिसाइल थे, चीन वालों के पास, हमारे भारत के अंदर एक दूसरे के मुंह देखते थे कि क्या हो, कैसे हो, कहां से मिसाइल लाएं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खड़े हुए, कहां से पढ़े थे? असम वालों, मदरसा बंद करोगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे के अंदर भी पढ़ाई हासिल की थी उन्होंने। कब तक बंद करोगे? कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला है इस तशद्दुद से। मिसाइल बनाकर आदमी अगर गली में घुस जाए, घर में घुस जाए, तहखाने में छुप जाए तो वहां से ढूंढ कर हमला करने वाला, मिसाइल बनाकर देने वाला कौन? उस शख्स का नाम भारत के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कुरान भी जानते थे, साइंस भी जानते थे। अब हमदर्दी कैसी थी इसके अंदर? एक मर्तबा मेघालय का सफर था, मेघालय का सफर था, अपनी गाड़ी में बैठे, कौन बने वो राष्ट्रपति बने इस देश के आखिर में, लेकिन मेघालय के सफर पे थे। जब उन्होंने देखा
कि सामने भी गागी गाड़ियां हैं, पांच छह पीछे भी गाड़ियां। एक जवान फौजी को मशीन गन ताने हुए खड़ा है कि कहीं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना, कोई हमला ना कर दे। उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे डॉक्टर साहब। देखते रहे बहुत देर तक। उन्होंने गाड़ी रुकवा कर पूछा कि ये लड़का क्यों खड़ा, ये मिलिट्री वाला नौजवान क्यों खड़ा। उन्होंने कहा कि सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा। कहा कि उस जवान को लाओ मेरे सामने। अपने गद्दी पे बिठाया गया, अपने साथ गाड़ी में बिठाया उनको। और कहा जाता है कि जब तक डॉक्टर साहब उस इलाके का दौरा किए, जब तक उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने उनको खड़ा नहीं होने दिया, बल्कि जहां जाते थे साथ में लेकर जाते थे। आज अगर कोई कुर्सी मिल जाए किसी को तो 10 लाख रुपए का सूट पहनने की कोशिश करता है, 3 लाख रुपए का कलम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ऐ दुनिया वालों, प्रेरणा हासिल करो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से। उनको 3 लाख 10 लाख का सूट नहीं, बल्कि अगर किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते थे तो कुर्सी अगर उनके लिए अलग बनती थी तो उस कुर्सी को उठाकर अलग करके जो कॉमन कुर्सी बनी हुई होती थी उसी कुर्सी पर बैठकर लोगों को संबोधित करते थे। अगर जरूरत पड़ जाती थी तो नीचे जमीन पे बैठकर लोगों से बातें किया करते थे। वो भूल जाते, जानते थे वो कि मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन उनके अंदर हमदर्दी थी। उस नौजवान को खड़ा होते देखकर दिल के अंदर हमदर्दी आई, दिल के अंदर रहम पैदा हुआ। उस नौजवान को अपने पास बिठा करके रखा था। ये चीज किसके अंदर आ सकती है? एक ईमान वाले के अंदर ये चीज, ये हमदर्दी आ सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी दीजिए। अगर कुरान की तालीम दीजिएगा तो हमदर्दी के लिए वही काफी है, लेकिन जमाने के एतबार से आप अपने बच्चों को हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कानून की तालीम उनको दीजिए। हमारे इस देश के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, स्कूल की एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी अपने बच्चों को दिलाइएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा कहीं पर भी जलील और डोंट है, यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, तो डेफिनेटली यू विल बी, आप हर जगह पर हार जाएंगे। हर जगह के ऊपर आप तकरीबन जलील रुस्वा करने की कोशिश की जाए। और एक बात मैंने बहुत अच्छी पढ़ी अभी 2 रोज पहले, तुर्की का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, उसने लिखा कि जिस बच्चे में, जिस इंसान में कुरान की तालीम, साइंस की तालीम, ये दोनों चीज जिस बच्चे, जिस इंसान के अंदर हो तो वो इंसान, उनके अंदर हमदर्दी बहुत होती है। जिसके अंदर कुरान की तालीम हो और जिसके अंदर साइंस की भी तालीम हो, कुछ ना कुछ। पहली बात तो हमदर्दी होने के लिए, एक सच्चा इंसान बनने के लिए कुरान की तालीम है, तो उससे बड़ी चीज कुछ और नहीं। लेकिन उसने अपने नजरिए के हिसाब से बताया है। उसने कहा कि जिस इंसान के अंदर कुरान की तालीम हो और साथ में ही साइंस भी हो तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता कूट कूट कर भरा होगा।